Yavaris,
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरकार आलम पना वारिस पाक के ये गहराम पोष का पीर थे, सरकार के बहुत बड़े आशिकों में से शुमार होता उनका नाम। अब उन्होंने एहराम पोष होने के बाद सरकार का हुक्म हुआ तुम्हें इंग्लैंड में जाकर मेहनत करो। सरकार क्या हुक्म हुआ कि तुम्हें इंग्लैंड में जाकर मेहनत करो। सरकार की शान ऐसी थी कि जिसे भी एहराम अता करते तो सरकार उनको पहले से रुख बता देते ऐसी जगह जाकर मेहनत करो। तो वो एहराम कुछ फकीर हबीब शाह वासी अहमदुल्लाह है, काम करो खुदा के उसको खुदा से ताल्लुक जोड़ो। फकीरों का काम होता है कि खुदा के बंदों को खुदा से जोड़ो उनका ताल्लुक, क्योंकि खुदा का ताल्लुक आज इनका मुझसे टूटा हुआ है। अब इंसान को सारी चीजें मालूम आती है, क्यों सी मेहनत करने से क्या चीज हासिल होती है। ये दुनियादारी का तो इल्म बहुत ज्यादा है, क्या यहाँ किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं, बताने की भी जरूरत नहीं, बस होश संभाले और दुनियादारी में लगे और हर एक को भी उसका फायदा मांगे और मेहनत भी मांगे। अगर ये इंसान ऐसी ही जिंदगी गुजार कर चलेंगे दुनिया कमाते कमाते तो उनकी ये पूरी की पूरी जिंदगी नाकाम हो। अब खुदा हर किस नहीं चाहते कि मेरे बंदे नाकाम होकर मेरे पास आना। खुदा तो बहाने ढूंढने वालों में से है कि मेरा बंदा कब मुझे पुकार करता है, मैं कब उसकी तरफ चले जाऊं, उन्हें कब मेरी तरफ आ जाता है, ये इंतजार में खुदा खुद एक आशिक थे, एक लड़की से मोहब्बत करते थे। वो लड़की का नाम सनम था। हमेशा वो लड़की को या आशिक या सनम या सनम या सनम या सनम का जिक्र करते थे। बोलते बोलते उन तो खुदा को याद नहीं करे, जुबान से सब तो निकल के बाद या सनम की जगह या समद आ। अब जैसे ही या समद आया खुदा फौरन क्या बदले, बोल मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, बोल मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, तू कब मुझे पुकारता है, तू कब मेरे तरह करीब हो जाता है, मैं तुझे कब मेरे करीब कर दूं, ये इंतजार में रहेंगे। तो ये अल्लाह वादे जो जाहिर एतबार से फकीरी करती फकीरी करती, इनका सब काम असल इसी ये करता है कि खुदा के भूले हुए बंदों का ताल्लुक खुदा से जोड़ कर, और कोई गरज नहीं रखी ये एहराम पोषण, क्योंकि सरकार वाली से पाक एहराम देने के वक्त में ये विवाद देने के वक्त में साफ साफ बोलन थी ये ले यही तेरा लिबास जिंदगी है, इस लिबास के अलावा कोई और लिबास नहीं है। ये लिबास पहनने के बाद सारे लिबासों को फर्क कर रहा, ये ले यही तेरा लिबास जिंदगी है और यही तेरा कफन भी है। अब कफन ओढ़ लेने के बाद कफन पहन लेने के बाद उसे दुनिया की कोई गरज नहीं रहती, इंग्लैंड में जो मेहनत करने गए थे खुदा का ताल्लुक खुदा के बंदों से जोड़ने गए, मेहनत कर रही खुदा से उनका ताल्लुक ऐसा जुड़ गया है कि इंग्लैंड में
दो साल के बाद क्या होने वाला है वो इन्हों आज ही बोलना पड़ेगा। दो साल के बाद क्या होने वाला है, वहां की भाषा किसके हाथ में आने वाली है, किसे क्या सजा मिलने वाली है, कौन सा इंग्लैंड के अंदर खैर का काम होने वाला है, इसके मुकद्दर में क्या क्या होने वाला है, दो साल पहले हाजिर बता लगे अपेक्षा वारसी रखने इनका ताल्लुक, इनकी मोहब्बत, इनकी इश्कियत जितनी ज्यादा होगी, इनका चर्चा इतना ज्यादा होगा कि इंग्लैंड का जो शहजादा था, बादशाह का बेटा, इनका आशिक हो। या वारिस, या वारिस, या वारिस। जो इंग्लैंड का बादशाह का बेटा था वो ये एहराम पोश का आशिक हो। जो बंदा खुदा के हवाले अपनी जिंदगी कर्जम कर, खुदा की राह में जिन्हों मिट जाते हैं उनके सामने कितनी भी बड़ी शख्सियत रंदे, कितनी भी बड़ी मखलूक रंदे, आप उनके खत्म में कहते हैं या वारिस, या वारिस, या वारिस। अब उन्हों खुदा की राह में मिटने वाले होने से थे तो इंग्लैंड का शहजादा भी आकर इनके खत्म में था, बेहिसाब माल भी खर्च कर रहा है, दौलत भी लुटा रहा है, जो भी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह वाले के ऊपर खर्च करती वो कभी फजूल नहीं होता, जितना खर्च करते रहते माल होता बढ़ते रहता, खुदा की राह में खर्च करते माल और बढ़ जा रहा, अल्लाह वाले औलिया के दरबार में ले लेगा को लुटा रही माल और बढ़ जा रहा है, और यहाँ सब माल लुटाने का अपना सबको फायदा क्या होगा, तो खुदा खुद ऐसे माल का हिसाब भी नहीं। तो ये खैर का काम वो इंग्लैंड का शहजादा भी कर लेगा, उसे ये बात मालूम होगी कि मेरे रहबर के जो पीर ही, मेरे जो पीर ही, क्योंकि हमारे सिलसिले वाक्य में ये भी चेक किया सरकार वारी से पा, जिन्हों सरकार के हाथ को बैठ हुए उनके भी पीर वारी से पा, उनके ग्राम पुरुषों के हाथ के ऊपर जो आप बैठ हुए उनके भी पीर वारी से पाक, हमारे सब के भी पीर वारी से पाक, कयामत में आखिरी इंसान जो बैठ होता उनके भी पीर वारी से। अब वो इंग्लैंड के शहजादे को मालूम हुआ कि हमारे पीर साहब हयात में ही और हिंदुस्तान में, दिल में शौक पैदा हुआ चलो हमारे पीर साहब को मिल लेंगे, हमारे पीर साहब को मिलने को ही है उनको हिंदुस्तान का सफर पीर को अपनी नजरों से देख लिया, कुछ दिन क्याम भी करा हो शहजादा, पीर की मोहब्बत, इनके आशिक, इनकी मोहब्बत, ये सारे चीजें समझने के वास्ते उस दिन देवा शरीफ में टिक गया, बहुत सारे आशिकों से मुलाकात भी हुई, उस वक्त में बेदम शाह सरकार भी मौजूद थे, रहीम शाह सरकार भी मौजूद थे, अवगढ़ शाह वारसी भी मौजूद थे, जो बड़े बड़े पाए तब बुजुर्ग ही, उनसे सबसे मुलाकात हुई। फिर जो हिंदुस्तान का सफर खत्म हुआ तो इंग्लैंड को फिर वापस चले, अब जब इंग्लैंड को वापस गया तो उनके दोस्तों में से, उनके साथियों में से, रिश्तेदारों में से सब बिठा कर पूछने लगे कि भाई तू हिंदुस्तान का सफर करया, अपने पीर साहब को मिलने को आया, वहां का कुछ ना कुछ सबक हमने भी सीखा, हिंदुस्तान से क्या देखो आया, क्या सीखो आया, हमने भी जरा वो सबक सीखा कर सब बोला तो फिर नहीं। तो वो इंग्लैंड का शहजादा क्या बोलता है, हमारे पीर सरकार वाली से पाक की शान में मैं क्या बोलूं, मेरे पास लफ्जांश, मेरे पास लफ्जांश नहीं पीर की शान में बोलने के वास्ते, हाँ एक उनके एक बहुत खास आशिक हैं, उनके एक बहुत खास आशिक हैं, उनकी और हमारी दोस्ती बहुत होगी थी,
उनके साथ मिलकर खाना पीना होगा, सोना बैठना होगा, चलना फिरना होगा। उनका नाम अवगछा वारसी है। पीर की शान में तो बोलने लफ्जा नहीं, सुन लिया उनके एक आशिक की शान क्या है, उनके एक आशिक की शान क्या है सुन लियो। सब पूछे क्या है ऐसी शान, वो अवगछा वारसी में क्या ऐसी शान है, तो वह इंग्लैंड का शहजादा क्या बोलता है, मैं अवगत शाह की एक आंक में सारे आलम का दीदार कर। अवगत शाह की एक आंक में मैं सारे आलम का दीदार कर लिया। जब एक आशिक की आंक में यत्ता नूर है, यत्ता कुछ समाप्त है, तो वो मेरे पीर में क्या क्या है। तो सरकार अमर पाना वाले से बाकी शान ऐसी निराली है कि उनकी शान में बोलने किसी के पास लफ्जा भी नहीं। उनकी शान ही शान है, पंजतन ही शान है, सैयदी खराना है। अवगत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह किसी गांव को सफर कर ले बचाले को, तो रास्ते में एक पंडित जी मिल गए। अब ये लिबास देखना था, मुसाफिया करे, पूछे तुम्हें कौन ही टांग के तुम्हें, तुम्हारे पीर कौन, तुम्हें किसके मुरीद। तो अवगत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह बोले, मैं सरकार वारिस पाक का गुलाम हूं, मेरे पीर वारिस पाक है। मैं जानती भी तुम्हारे पीर की शान क्या है, तुम्हें जानती क्या तुमने मालूम है कि तुम्हारे पीर की शान क्या है। अवगत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह जो ये काम में सारे आलम को बचा देते, उनको तो सब कुछ जाहिर था, लेकिन फिर भी वो पंडित से पूछे तुम्हें जरा बता दो मैं तो मेरे पीर की शान और सुन गया। तो वो पंडित क्या बोलते, तुम्हारे पीर पंचतनी घराने के ही, तुम्हारे पीर पंचतनी घराने के ही आले रसूल ही और सैयदी ही। या वारिस, या वारिस, या वारिस, तुम्हारे पीर सैयदी ही। तो सरकार अवगत शाह वारसी रहमतुल्लाह है खुश हो गए और कुछ बोलो मेरे पीर की शान में गए। तो वो पंडित जी क्या बोलते, तुम्हारे पीर सैयदी घराने के हैं, तुम्हें मालूम भी है कि सैयदी घराना होता है क्या। अवगत शाह पूछे क्या होता सैयदी घराना। तो वो पंडित जी क्या बोल रही, पूरे जितने आलमा ही ये सारे के सारे आलमा की हुकूमत सैयदी घराने की। सारे आलम में जितनी हुकूमत है सब के सब सैयदी घराने, सारी मखलूक सैयदी घराने से आजीज है। सैयदी जो बोला दे सैयद वो पूरा हो जाता है, जो जुबान से निकलती है अल्फाज वो पूरे हो जाती है, कभी वो व्रत नहीं होते। सैयदी घराने को सैयदी घराने वाले अगर तुम दे डाले तो हर मखलूक उसके ताबे हो जाते और वो काम करने लग जाए। सैयदी घराने से जमीन और आसमान भी कांप जाते। तो ये सैयदी घराने की पंजतने घराने की पंजतने पाक की शान खाली ये ईमान वाले कुछ नहीं, हर एक को भी मालूम है कि पंजतन की शान क्या है, सैयदी घराना क्या है, हमारे पीर वारिस पाक की शान क्या है, ये हर एक को भी मालूम है। अगर हमें आपस में बैठ कर एक एक दो दो वाक्य आपस में बोलते सुनते रहे तो हमारे अंदर भी इश्क़ मोहब्बत जाग देते। तो ये मोहब्बत हमारे अंदर जागन देगा तो
ہمیں ہر جمعہ رات کو حضرت شاہ علی بابا کے دربار میں جمع ہوتے ہیں. یہاں کچھ عاشقوں کے پنجتن کی شان میں کچھ بات جو واقعات یاد رکھے ہیں نا وہ بولتی ہیں اور سنتی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ نظر پیش ہو کے یہاں لنگر کا بھی انتظام رہتا ہے, تو سب انشاءاللہ مل جل کو آتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا سب کا بھی فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو ہم سب کے جمع ہونے کو سرکار